नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो NCERT से है, जिसका कि नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई को। देखिए, ह्यूमन आई एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी कि पेयर्स होते हैं ह्यूमन आईज, लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ स्कल, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। यानी कि वन पेयर्स आई आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो देखते हैं किस तरीके से पार्ट्स कौन कौन से हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ एन आई। देखिए, थ्री लेयर्स होते हैं आई में, स्केलर, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। फिर चलिए देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ से जो ये लेयर्स हैं। देखिए, तो ये आप जो लेयर देख रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर दिस इज ए स्क्लेरा एंड इनर मोस्ट लेयर इज कोराइड, एंड देन फर्दर वी डिस्कस अबाउट द रेटिना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, जैसे कि कॉर्निया है, रेक्विस ह्यूमर है, प्यूपिल है, आयरिस है, लेंस, सिलियरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर और ऑप्टिक नर्व्स। तो एक बार से देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं, ये आयरिस है और ये जो पोर्शन है ये कॉर्निया है, यानी कि ये कॉर्निया पोर्शन है। फिर यहाँ पे ये जो एक्विस ह्यूमर भरा हुआ है, यानी कि कॉर्निया और लेंस के बीच में। फिर यहाँ पर देखिए लेंस और रेटिना के बीच में जो ये दिखाई दे रहा पोर्शन, इसमें विट्रस चैम्बर जिसको बोलते हैं, इसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है जो कि जिलेटिनस होता है, और ये एक्विस ह्यूमर है ये इस तरीके से। फिर यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व है और ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये फोविया है, इसके हम बारी बारी से नेक्स्ट डिस्कस करते चलेंगे। चलिए देखते हैं किस। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा इज आउटर मोस्ट लेयर होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है से मिलकर बना होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल लेयर्स इज कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इस इज कॉल्ड स्क्लेरा, एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। यानी इनका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, अभी हमने बताया था फिगर में, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर में, जिसका कि नाम है कोराइड। तो इसमें क्या है कि मिडिल लेयर कंटेंस मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुकिंग ब्लूइश इन कलर, यानी कि जो हमारा ये कोराइड पोर्शन है, ये इसमें मैनी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से ब्लू कलर्स में होता है। तो द कोराइड लेयर्स इज थिन ओवर ए पोस्टीरियर 2/3 ऑफ आई बाल, बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट फ्रॉम द सिलियरी बॉडी। यानी कि जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है इसका थिन होता है, और जो इंटीरियर यानी कि पहले जो पोर्शन होता है एंटीरियर पार्ट होता है, वो जिसको जो सिलियरी फॉर्म बॉडी बनाता है वो थिक पोर्शन होता है। सिलियरी बॉडी इट सेल्फ कंटेंस फॉरवर्ड फॉर्म ए पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड आयरिस। आयरिस जो पोर्शन होता है वो हम देखते हैं कि इससे बना होता है आयरिस पोर्शन। तो आयरिस विच इज ए विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, जो कि विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आयरिस। द आई वॉल कंटेंट्स ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस ऑफ लिगामेंट अटैच्ड टू दी सिलियरी बॉडी। इन फ्रंट ऑफ लेंस द एपर्चर सराउंडेड बाई द आयरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। यानी कि जो लेंस के सामने का जो पोर्शन होता है उसको हम प्यूपिल्स होते हैं बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ पीपल्स इज रेगुलेटेड बाई द मसल्स फाइबर ऑफ आयरिस। जो आयरिस होता है देख लेते हैं किस तरीके से फिगर्स में। तो जो ये पोर्शन है आयरिस, ये पीपल के रेगुलेट करता है किस तरीके से यहाँ पे लाइट इंटर होना है लेंस में, और लेंस जो होता है ये सिलियरी बॉडी मसल से इसका रेगुलेशन होता है, किस तरीके से इसका जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट की जाएगी। और जो यहाँ पे पीपल है ये इसके द्वारा, जो आयरिस है इसके द्वारा एडजस्टमेंट होगा कि कितनी लाइट लेंस में इंटर होना है। ठीक है, तो देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं रेटना की। जो रेटना होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है रेटना। ठीक है, इमेज फॉर्म एयर, यहाँ पे इनर इमेज का फॉर्मेशन होता है। कंटेन थ्री लेयर्स, इनसाइड टू आउटसाइड होती हैं थ्री लेयर्स की हम बात करते हैं। तो वो जो लेयर्स हैं वो आपकी गैंग्लियनिक लेयर्स हैं, बाइपोलर हैं और मोटर रिसेप्टर सेल्स हैं।
यानी कि जी इनसाइड टू आउटसाइड का ये ऑर्डर है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कॉर्निया की, तो कॉर्निया एंटीरियर पोर्शन ऑफ द होता है, वो एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज फॉर्म कॉर्निया, जो स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो जो हमने तीन लेयर बताई थी वहाँ से ये कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है। थिन मेम्ब्रेन विच लेट इंटर्स, तो ये थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जहाँ के अभी हमने बताया था फिगर में किस तरीके से यहाँ से लाइट इंटर होती है, और ये स्क्लेरा से बना होता है जो कि हमारी पहली लेयर होती है आई की। अब हम बात करते हैं एक्वियस ह्यूमर की, तो एक्वियस ह्यूमर जो होता है फ्लूड मोस्टली वाटरी होता है और मेंटेन करेक्ट प्रेशर बैलेंस, यानी कि जो याद रखिएगा जो एक्वियस ह्यूमर होता है ये प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करता है, और स्पेस बिटवीन द कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो एक्वियस चैम्बर होता है वहाँ पर ये एक्वियस ह्यूमर एक्वियस फ्लूड होता है जो कि ये बैटरी वाटरी होता है। अब हम बात करते हैं पीपल की, तो कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट, तो पीपल में जो आयरिस होती हैं पीपल के, हमने फिगर में बताया था आयरिस, वो इसको कंट्रोल करेंगी कितनी लाइट लेंस में इंटर करना है, यानी कि कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ द लाइट इंटर इनसाइड द आई एंड अपर्चर जो होल होता है थ्रू विच लाइट इंटर्स, यानी कि पीपल जो होता है अपर्चर या होल होता है जिसके थ्रू लाइट इंटर करती है, और ये रेगुलेट होता है आयरिस से, डायमीटर रेगुलेटेड बाय द आयरिस। चलिए अब हम आयरिस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आयरिस क्या है, डार्क मस्कुलर डेट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, यानी कि पीपल के साथ जो कंट्रोल करता है उसको हम आयरिस बोलते हैं। ओपेक स्ट्रक्चर विच इज विजिबल कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, तो ये ओपेक स्ट्रक्चर होता है और विजिबल कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, यानी कि विजिबल कलर्ड पार्ट होता है आई का। तो आई लेंस, चलिए हम लेंस की बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको लेंस कहते हैं। तो फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि जो लेंस होता है ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। नीडेड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ रेटना, कि कहाँ पर रेटना में फॉर्मेशन होता है उस तरीके से कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर होना है, ये हमारा लेंस ही इसको एडजस्ट करता है। चलिए हम बात करते हैं कि लेंस में इमेज कैसी बनती है, लेंस से जो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। लिगामेंट अटैच्ड बाय द सिलियरी बॉडी होल्ड्स द लेंस इन द प्लेस, तो देख लेते हैं एक बार फिगर्स में किस तरीके से क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो ये पोर्शन है कॉर्निया का ये इस तरीके से यहाँ से आयरिस से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे एक्वियस ह्यूमर है, ये विट्रियस ह्यूमर है, और इस तरीके से एडजस्ट होता है सिलियरी बॉडी के द्वारा लेंस में, और किस तरीके से यहाँ पे रेटना में यहाँ इमेज का एडजस्टमेंट होकर यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स की, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड फॉर्म बाई एंटीरियर पार्ट ऑफ द कोराइड, यानी कि जो कोराइड का एंटीरियर पार्ट होता है वो सिलियरी मसल्स बनाता है, और जो स्क्लेरा का जो पार्ट बनेगा वो क्या बनाएगा, वो कॉर्निया बनाएगा, याद रखिएगा। और सिलियरी मसल्स ये किसका पार्ट, ये कोराइड का पार्ट एंटीरियर पार्ट होता है वो सिलियरी मसल्स बनाता है। तो विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस चैम्बर्स की बात करते हैं तो ये जेली लाइक ट्रांसफर फ्लूड होता है, होल्ड्स स्पेरिकल शेप ऑफ आई, यानी कि जो स्पेरिकल सेल आई होता है ये विट्रियस ह्यूमर जो होता है ये प्रोवाइड कराता है स्पेरिकल शेप ऑफ द आई। तो हम बात करते हैं रेटना की, तो रेटना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म, जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिन्हें रॉड और कॉन्स कहते हैं, विच जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। रॉड एंड कॉन्स कंटेन पिगमेंट्स, जिनमें कि पिगमेंट्स होता है। अब हम ब्लाइंड स्पॉट की बात करने जा रहे हैं, तो रीजन टुवार्ड्स द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल वेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, यानी ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया होता है जहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट्स नहीं होती हैं। फोबिया क्या है, देखिए थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटना वेयर ओनली कॉन्स आर डेंसली पैक्ड, यहाँ पे कॉन्स प्रेजेंट होती हैं डेंसली पैक्ड। विजुअल रिजोल्यूशन एक ग्रेटेस्ट है, यानी कि आपसे पूछा जाए कहाँ पर रिजोल्यूशन हाइएस्ट होता है तो आप बताएंगे फोबिया। और ब्लाइंड स्पॉट में क्या आता है, वेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, जहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट्स नहीं होती हैं, लोकेटेड लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए रॉड की, तो रॉड क्या है, रॉड जो होती हैं कंटेन पर्पल रेड कलर पिगमेंट, यानी पर्पल रेड कलर पिगमेंट होता है रॉड्स में, रोडोप्सिन जिसको बोला जाता है, रोडोप्सिन फॉर विजन ऑफ लो लाइट लेवल्स,
मोर न्यूमरस देन कॉर्न्स, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कॉर्न्स की, तो कॉर्न्स कंटेंस पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट एंड कलर विजन। यानी डे लाइट और कलर विजन के लिए पूछा जाए तो कॉर्न्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कॉर्न्स। और यानी कि रॉड्स, रॉड किसके लिए ये रिप्रेजेंट करती हैं, लो लाइट के लिए या डिम लाइट के लिए, ठीक है। यानी कि इस तरीके से, यानी कि बात यह है कि डे लाइट या फोटो विजन की बात करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर हम स्कोटो स्कोटो स्कोटोपिक विजन की बात करते हैं तो वो उसके लिए रॉड्स सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।